बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भैया आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारे चैनल का नाम है जनाब रोशन स्टूडियो के नाम से, और हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं तेरे बिन। तेरे बिन ड्रामा जनाब जनाब जो हर एपिसोड में ये 16-14 सौ मिलियन ये स्टैंड कर रहा है व्यूअर, और यही वजह है कि इसके इतने ज़्यादा व्यूज़ क्यों आ रहे हैं। तो ये जनाब हया है और खुशियाँ मनाते हुए मरियम के नाकाम होने पे, उसके बाद मीरब को चूंकि मुतसिब वहाँ छोड़ आया उसके घर में हाथ से पकड़ गए, और ये उनकी नौकरानी जो बाहर निकली तो उसने देखा कि मीरब वहाँ पे दरवाजे के सामने बेसुध पड़ी है। उसके बाद ये मीरब का बाप जो एक बहुत बड़ा वकील भी है, उसने सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये जनाब मीरब के गिर्द ये दोनों लपके हुए, उसके बाद ये चाटा पड़ा है जनाब उसको मरियम के गाल पे, और उसकी माँ का कहना यह है कि मेरे से इससे ज़्यादा कोई तवक्को मत करना, इस तरह की जो लड़कियाँ होती हैं उनके साथ ऐसा ही सलूक होता है। लेकिन मरियम का कहना यह था कि मेरी एक शर्त है कि आपने मुझे रुख्सत करना है, कर दें, मैं आपकी बददुआओं में रुख्सत हो जाऊंगी, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप मीरब को घर लेके आएंगे, और ये कोशिश ये भी करना कि ऐसा ना हो कि मैं जीत जाऊँ, मुझे जीतने मत देना। ये जनाब शर्त रखी है मरियम ने अपनी माँ के साथ, और देखना ये है कि अब क्या सूरत हाल आगे बनने वाली है। अब जनाब जो मीरब का बाप है वो एज आ वकील उनके घर पहुंच गया, और उसने कहा कि देखो मैं आज एक वकील की हैसियत से आया हूं, और वकील उस वक्त तक बैठता नहीं जब तक अपना मुद्दा वो बयान ना कर ले। तो दोस्तों हमारा ये मकसद होता है कि आप घंटा डेढ़ बैठ के टीवी के सामने ड्रामा ना देखें, और हमारा जो रिव्यू आप देखते हैं 1 से 1.5 मिनट का, तो उसी में पूरा खुलासा हम जो है वो बयान कर देते हैं, और यही वजह है कि हमारे चैनल के व्यूज़ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब भी आजकल हमारे ही आ रहे हैं। तो आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब। नौमी भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।